याकूब के 12 पुत्र थे, पर वो अपने पुत्र यूसुफ को सबसे ज्यादा प्रेम करता था। उसने यूसुफ को एक विशेष चमकीले रंग का अंगरखा दिया। यूसुफ के भाई उससे ईर्ष्या करते थे, उन्होंने उससे नफरत की। यूसुफ ने विशेष स्वप्न भी देखे। मेरे स्वप्न में हम खेत में पूले बांध रहे थे, उसने कहा, और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को दंडवत किया। यूसुफ के भाइयों ने उससे और भी ज्यादा नफरत की। यूसुफ ने एक और स्वप्न देखा। सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे थे। उसके पिता और उसके भाई कुड़कुड़ाए, क्या तू ये कह रहा है कि तू हम पर राज करेगा? एक दिन यूसुफ के भाई खेतों में उनके भेड़ों की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने उसे उनकी तरफ आते हुए देखा। उन्होंने उसे मार देने और उसके सपनों का अंत करने की योजना बनाई। हमारे भाई को मार देना गलत होगा, रूबेन ने कहा। आओ हम उसे खाली गड्ढे में डाल देते हैं। इसलिए उन्होंने यूसुफ का विशेष अंगरखा फाड़ दिया और उसे गड्ढे में फेंक दिया। इस्माइली व्यापारी मिस्र की तरफ उनके मार्ग से गुजरे। आओ हम यूसुफ को इस्माइलियों के गुलाम के रूप में बेच देते हैं, यहूदा ने सुझाव दिया। इसलिए भाइयों ने यूसुफ को चांदी के 20 सिक्कों के लिए बेच दिया। भाइयों ने यूसुफ के अंगरखे को बकरे के लहू में डुबोया और इसे याकूब को दिखाया। मेरा पुत्र मर गया है, वो रोया। इसी दौरान यूसुफ को मिस्र में ले जाया गया, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ था। मिस्र में इस्माइलियों ने यूसुफ को पोतीपर के पास बेच दिया, जो फिरौन का हाकिम था। परमेश्वर ने यूसुफ को आशीष दी और उसे सफल बनाया। पोतीपर ने यूसुफ को अपने पूरे घराने का अधिकारी बना दिया। अकाल पड़ गया। एलीमेलेक, नाओमी और उनके पुत्र भोजन की खोज में मोआब को गए। एलीमेलेक मर गया। पुत्रों ने मोआबी स्त्रियों ओरपा और रूथ से विवाह कर लिया। तब पुत्र भी मर गए। तीनों स्त्रियों के पास पति नहीं थे। जब इसराइल में अकाल समाप्त हो गया, नाओमी ने घर जाने का फैसला किया। मोआब में ही रहो, उसने अपनी बहुओं से कहा, ये तुम्हारा घर है।
ओरपा वहीं रही, पर रूथ ने कहा, जहाँ भी आप जाओ मैं जाऊंगी, आपके लोग मेरे लोग होंगे, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूथ और नाओमी इकट्ठे वापस इसराइल को गईं। ये इसराइल में फसल के कटने का समय था। नाओमी ने रूथ से कहा कि वो जाकर खेत में काटने वालों के पीछे फसल को बिन ले। खेत एलीमेलेक के संबंधी बोअज का था। बोअज रूथ के पास आया। तुम नाओमी के साथ बहुत अच्छी रही हो, बोअज ने कहा। घर छोड़ना मुश्किल रहा होगा, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। उसने रूथ को भोजन दिया और अपने जवानों को उसकी देखरेख करने को कहा। रूथ ने नाओमी को बताया कि क्या हुआ था। नाओमी मुस्कुराई। जब कोई मरता है, उसका निकट संबंधी उसके परिवार की देखभाल करता है। वो व्यक्ति उनका निकटतम छुटकारा देने वाला संबंधी है। बोअज हमारा निकटतम संबंधी है, उसके निकट ही रहना। रूथ बोअज के निकट रही। वो हर दिन उसे और ज्यादा पसंद करने लगा। बोअज ने एलीमेलेक की जमीन खरीदी और नाओमी और रूथ की देखभाल की। तब उसने रूथ को उसके साथ विवाह करने के लिए कहा। से एक पुत्र ओबेद पैदा हुआ। ओबेद का पुत्र यिशे था। यिशे का पुत्र दाऊद था और दाऊद इसराइल का महान राजा बन गया। इसलिए परमेश्वर ने रूथ को आशीष दी, ठीक जैसा कि बोअज ने प्रार्थना की थी। पहले राजा का नाम शाऊल था। राजा शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए परमेश्वर ने शमूएल नबी से कहा, शिये नाम के एक व्यक्ति को ढूंढ, उसके पुत्रों में से एक नया राजा होगा। शमूएल को यिशै बैतलहम में मिला। उसने यिशै के सात पुत्रों को देखा। वो सुंदर और बलवान दिखते थे। उनमें से कोई नहीं, परमेश्वर ने कहा, मैं बाहरी रूप को नहीं देखता, मैं एक व्यक्ति की आंतरिक दिल की परवाह करता हूँ। यिशै ने उसके सबसे छोटे बेटे को संदेश भेजा, जो खेतों में भेड़े चरा रहा था। शमूएल ने उसे देखा और परमेश्वर ने कहा, वही है। इस तरह दाऊद नया राजा होने के लिए अभिषिक्त किया गया था।
समय के बाद इसराइलियों ने फिलिश्तियों के साथ युद्ध किया। एक दानव फिलिश्ती सिपाही गोलियत ने इसराइलियों को उसके साथ लड़ने के लिए एक योद्धा को भेजने के लिए कहा, पर सभी इसराइली डरे हुए थे। दाऊद सेना में उसके भाइयों के लिए भोजन लेकर आया। उसने गोलियत की चुनौती सुनी और डरा नहीं, पर ईश्वर की सेना का अपमान करने की उसकी इतनी हिम्मत? दाऊद ने कहा, मैं उसके साथ युद्ध करूंगा। अचंभित हुए राजा शाऊल ने दाऊद को अपने शस्त्र देने की पेशकश की। नहीं, दाऊद ने कहा, परमेश्वर ने जंगली जानवरों को मारने में मेरी सहायता की है, वो गोलियत के विरुद्ध भी मेरी सहायता करेगा। दाऊद ने 5 पत्थर और 1 गोफन लिया। मैं एक कुत्ता हूँ? गोलियत दहाड़ा, तुमने मेरे साथ युद्ध करने के लिए एक छोटे से लड़के को भेजा है। तेरे पास एक भाला है, दाऊद ने कहा, पर मेरे पास इसराइल के परमेश्वर की सहायता है। दाऊद ने गोफन में पत्थर डाला और घुमा कर मारा। ये गोलियत के माथे में लगा और उसे नीचे गिरा दिया। इसराइलियों ने फिलिश्तियों को हरा दिया। परमेश्वर की सहायता के साथ दाऊद एक हीरो था।